हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मछली खरीद करके लाए हैं। मछली में गैंची मछली है, तो आज जो रेसिपी बनेगा किचन में यही गैंची मछली को रेसिपी बनेगा। तो गैंची मछली वाला वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज गैंची मछली लेकर के चलते हैं किचन में। दोस्तों चलिए पानी से धोने के लिए हम मछली के उझिल लेते हैं मछली धोने के लिए। तो चलिए पानी डाल दिए हैं तो चलिए बढ़िया से धो लेते हैं। दोस्तों मछली धो लिए हैं तो चलिए मछली को हम छान करके चलिए हम परात में रखते हैं। दोस्तों एक पानी से तो धो लिए हैं तो चलिए एक पानी से और धो लेते हैं। दोस्तों गैंची मछली में नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, गैंची मछली बढ़िया से फ्रेश करके धोआ जाता है, इसलिए हम नमक डाल दिए हैं। तो चलिए बढ़िया से इसको हम कुछ झोल देते हैं। झोलने पर क्या होता है, सभी कचरा कट जाएगा। दोस्तों नीमक से बढ़िया से कचरा सब कट गया है, साफ हो गया है। तो चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों बढ़िया से धो लिए हैं तो चलिए पानी के हम गार करके परात में मछली को रखते हैं। दोस्तों गैंची मछली तो साफ लगता है, चलिए फिर से इसको धो लेते हैं। पानी डाल दिए हैं तो चलिए इसको बढ़िया से धो लेते हैं। दोस्तों गैंची मछली हम धो लिए हैं बढ़िया से साफ करके। इसमें डालने के लिए सभी मसाला ले आते हैं। पाउडर है, ये गोल मिर्च है, ये लहसुन है, ये पीला सरसों है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है। ये सभी मसाला डालने से गैंची मछली बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम पत्थर पर सभी मसाला को तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट पीस लिए हैं तो चलिए इसको उठा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं मछली बनाने के लिए, ये तसली चढ़ाते हैं। आज जो मछली बनेगा झमरुआ मछली बनेगा। तो चलिए आज गांव के तरीका से नए नए डिजाइन से हम झमरुआ मछली बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद चलिए लहसुन पेस्ट डाल देते हैं। बढ़िया से सभी मिक्स कर लेते हैं। आज जो मछली बनाएंगे एक नए तरीका से मछली बनाएंगे, वो झमरुआ मछली बनाएंगे। अपने गांव देहात के नए नए तरीका से झमरुआ मछली बनाएंगे। और झमरुआ मछली आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे गांव देहात में झमरुआ मछली लोग को ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए हम झमरुआ मछली बनाते हैं। तो चलिए बढ़िया से हम मिक्स कर लिए हैं। सरसों तेल डाल देते हैं, दाग करके बनाते हैं, इसलिए जितना ही नज़र गुजर लगल रहता है सभी कट जाता है। दागने से मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एक गांव देहात के नया नियम है दाग करके मछली बनाना। पीला सरसों डाल देते हैं, पीला सरसों फूट गया है। तो चलिए हम मछली डाल देते हैं। मछली डाल दिए हैं तो चलिए इसको हम झमोर देते हैं। मछली झमोरने के बाद इसको थोड़ा हम पसार देते हैं। पसारने से क्या होता है, बढ़िया से करायन जड़ जाता है। दोस्तों ये मछली करायन वाला बनाने का पुराना नियम है, पहले के लोग इसी तरह बनाता है, लेकिन मछली करायन वाला बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। हम घुमा देते हैं, घुमाने से क्या होगा, काटे काट काट में सभी तेल आ जाएगा, तो मछली बढ़िया से करायन जड़ जाएगा, तो खाने में बहुत ही सुन लगेगा। दोस्तों जब तक इधर करायन जर रहा है तब तक इधर हम मसाला घोर लेते हैं। तो बढ़िया से मसाला के घोर लिए हैं, ये करायन जर गया है। तो चलिए इसमें हम मसाला बढ़िया से डाल देते हैं। मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए हम बढ़िया से इसको घुमा देते हैं, जो सभी गैंची मछली में मसाला मिल जाएगा। तो मसाला डालने के बाद चलिए स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डाल दिए हैं, इसके बाद चलिए इसको घुमा देते हैं, जो सभी नमक बढ़िया से गैंची मछली में मिल जाएगा। सॉस के लिए थोड़ा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम डालना है। उसके बाद हम थोड़ा घुमा देते हैं, जो सभी मछली में नमक मसाला सभी बराबर हो जाएगा। दोस्तों गैंची मछली बन करके तैयारी हो गई है, तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं।
दोस्तों गैंची मछली बना लिए हैं, तो चलिए टेस्ट कर करके देखते हैं गैंची मछली का स्वाद कैसा बना है। दोस्तों गैंची मछली खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, ये वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।